अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां MGM मेडिकल कॉलेज में जूनियर के साथ हुई रैगिंग के मामले में भले ही डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में कमी नहीं छोड़ रही है। 3 बार MGM मेडिकल कॉलेज और एंटी रैगिंग कमेटी ने जब पीड़ित छात्र के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी, तो इंदौर के अफसरों ने इसे अब टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से सुलझाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने अपने मुखबिरों के माध्यम से ऐसे सीनियर स्टूडेंट को चिन्हित किया है जो विवाद में रहते हैं। इस मामले में इंदौर पुलिस ने फेसबुक को लेटर लिखकर व्हाट्सएप चैट और मैसेंजर की जानकारी मांगी है। बताया जाता है कि छात्रों ने की गई चैटिंग को डिलीट किया है, जिस पर डिटेल आने के बाद पुलिस मामले में बड़ा एक्शन लेगी। करीब 2 माह पहले MGM मेडिकल कॉलेज में जूनियर स्टूडेंट के साथ रैगिंग के मामले में संयोगिता गंज पुलिस अब सीनियर स्टूडेंट के खिलाफ टेक्निकल एविडेंस जुटाने में लगी है। इसके लिए TI तहजीब काजी ने फेसबुक को लेटर देकर 10 से अधिक संदिग्ध स्टूडेंट की जानकारी मांगी है। TI के मुताबिक छात्रों को जब थाने बुलाया गया तो उनकी गतिविधि भी संदिग्ध लगी, जिसके बाद टेक्निकल एविडेंस के तौर पर उनके नंबर फेसबुक को भेजे हैं, जिसमें मैसेंजर और व्हाट्सएप की डिटेल आने के बाद काम किया जाएगा। TI तहजीब काजी के मुताबिक 2 माह पहले अब MGM मेडिकल कॉलेज की तरफ से दिल्ली से आए मेल के बाद केस दर्ज कराया गया है। तब पुलिस ने पीड़ित छात्र को लेकर जानकारी शेयर करने की बात कही थी। इस मामले में प्रबंधन गोलमोल जवाब देता रहा। बाद में लेटर लिखकर जानकारी मांगी गई, जिसमें दिल्ली की कमेटी पर अधूरी जानकारी देने की बात कही गई। जब प्रबंधन से दिल्ली की जानकारी मांगी तो उन्होंने शुरुआत में देने से इंकार कर दिया, जिसके बाद एक के बाद एक 3 लेटर MGM मेडिकल कॉलेज को पुलिस ने दिए। इस मामले में दिल्ली की कमेटी से सीधे पुलिस ने मेल और लेटर पर चर्चा की, जिसमें पीड़ित छात्र का नाम और जानकारी शेयर करने की बात की, लेकिन डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दे दिया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हुए फेसबुक से जानकारी मांगी गई। पुलिस ने इस मामले में 20 के लगभग सीनियर और जूनियर को बुलाकर पूछताछ की, जिसमें 2 जूनियरों ने बताया कि रैगिंग तो होती है, लेकिन कौन सीनियर करता है इस बारे में जानकारी नहीं दी। अब पूरा मामला फेसबुक पर टिका हुआ है।